गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस टाइम वी आर डीलिंग विद द टॉपिक वेक्टर। अभी हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही डेलिकेट टॉपिक। बच्चों को अगर वेक्टर समझ में नहीं आया तो समझिए कि आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे आपको वेक्टर क्वांटिटी आने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो जब तक वेक्टर का कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर पढ़ने के लिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है, और सीक्वेंस वाइज पढ़िए, ठीक है। चलिए हम एकदम फंडामेंटल से लेके चलेंगे, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़े अभी तक जो पढ़े फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोग जो भी यूनिट था, डायमेंशन था, सब कुछ पढ़े, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े, लेकिन अगर देखा जाए ये फिजिकल क्वांटिटी, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितना भी हम पढ़ेंगे, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा या डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, या दोनों होंगे, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे देखिए, हम आपको जैसे बताएं कुछ कुछ बातें, आप ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मॉड का यूज़ करते हैं। शुरू से किसका यूज़ करते हैं? मॉड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको सीधा सा बताऊं, जैसे जैसे आपको अगर 100 मीटर जाना है, ठीक है, तो 100 मीटर क्या है बेसिकली, तो 100 × 1 मीटर, ठीक है, ये है यूनिट डिस्टेंस। ये क्या है? यूनिट डिस्टेंस। अगर आपको यूनिट डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन है, एक मीटर किसको कहते हैं, अगर इसका इन्फॉर्मेशन है, तो क्या आप 100 मीटर भी डिफाइन कर सकते हैं? करना क्या होगा कि उसी एक मीटर में हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब स्केल कर देना, स्केल कर देना मतलब बढ़ा देना, उतने टाइम से बढ़ा देना। आपको कितना चाहिए, 100 मीटर चाहिए, तो 1 मीटर को कितना गुना स्केल कर देंगे, 100 मीटर बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लायर लगा के इसको बढ़ा देंगे, ये कितना इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 100, ठीक है ना। दैट इज मैग्नीट्यूड। क्या है वो? मैग्नीट्यूड है। तो और दोस्तों, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक सीधा सा बात बताऊं, जैसे अगर हम आपको बोले कि एक बाइक है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सपोज करिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। हम आपको बोले कि एक बाइक है जो प्लस 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब वो इधर चल रहा है। लेकिन अगर हम सेम अगर बोले सेम टाइम में कि एक दूसरा बाइक है जो माइनस 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि एक बाइक है, इसको ऐसे समझेंगे, एक बाइक है जो इधर चल रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर क्या है, फिगर क्या है, 5। तो ये 5 उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये 5 उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यानी कि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड जब भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, जब भी होगा पॉजिटिव ही होगा। अगर उसके साथ निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो निगेटिव किसी और चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम क्वांटिटी पूछें, जैसे 100 kg, हम समझ गए आपके पास केजी है, लेकिन कितना, 100, तो वो है आपका मैग्नीट्यूड। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये बात आप हमेशा याद रखिए, मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ों का निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग मॉड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा मॉड का यूज़ करते हैं, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या सिग्निफाई करेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक नया टर्म और आपके सामने आएगा, डायरेक्शन, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी वो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर पर सेकेंड साउथ में जा रहा है, वो उसके साथ उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में जा रहा है तो वो नॉर्थ का दूरी तय करेगा, और अगर 5 मीटर पर सेकंड साउथ में जा रहा है तो वो साउथ की दूरी तय करेगा।
तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन मायने रखता है। उसी डायरेक्शन को हम मैथमेटिक्स में लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैग्नीट्यूड हमको शो करना पड़ेगा तो इसे शो करेंगे, और अगर डायरेक्शन शो करना पड़ेगा तो हम इससे शो करेंगे। ए के ऊपर कैप लगा देना, ठीक है ना, इससे हम क्या शो करेंगे, डायरेक्शन। ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड को शो करना है तो इससे शो करेंगे, डायरेक्शन को शो करना है तो हम इससे शो करेंगे। इज दिस ओके? थोड़ा ध्यान रखिए इन बातों का, क्योंकि आगे हमको यूज आएगा ये, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है तो मॉड का यूज करेंगे, और डायरेक्शन का यूज करना होगा तो इसका यूज करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। खैर आगे आएगा, आप तो बस इतना समझिए कि मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो इससे दिखाएंगे, डायरेक्शन को दिखाना है तो हम इससे दिखाएंगे, बस सीधी बात, ठीक है। सब छोटी छोटी बातें लिख लीजिए ताकि हम पहले इस पर आ सके, ठीक है ना, तब मजा आएगा। ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए एकदम, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद छोटी सी बात और, अगर हमको स्पेस में, पहले हम वेक्टर पर भी नहीं आए हैं, अभी हम पहले बेसिक्स पे चलते हैं, छोटा छोटा बात जो आपको हो सकता है पता हो सकता है नहीं पता हो। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, मान लीजिए कि ये एक रूम है मेरा, ठीक है। उस रूम में अगर हमको इस चौक को, इस पॉइंट को लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे? तो लोकेट करने का तरीका है ना, जैसे मान लो ये यहां पे है, ठीक है, तो हमको इसके लिए रेफरेंस फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, मान लीजिए कि हम किसी बंदे से पूछें कि बेटा बताओ मतलब कल्याणी कितना दूर है, तो वो तो आपसे सवाल करेगा ना कि भाई कहां से कल्याणी कितना दूर है, आप दिल्ली से बोल रहे हो कि लंदन से बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? तो हमने बोला कि मिठनपुरा से कल्याणी कितना दूर है, हाँ अब समझ में आया, तो मिठनपुरा उसका रेफरेंस बोलेंगे उसको, उसके लिए रेफरेंस हमको अति आवश्यक है। उसी तरह किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे रेफरेंस सिस्टम का आवश्यकता है, हम कहां पे रेफरेंस ले, आपको कहां से इस पॉइंट को लोकेट करना है ना। तो ऐसे में हम लोगों के पास कई सारे रेफरेंस सिस्टम है, रेफरेंस सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं जो हमारे काम का है। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक्स वाई और जेड है, ये आपने पढ़ा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दूसरा है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, वो होता है आर थीटा जेड, ठीक है। तीसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वो रेफरेंस सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं जनरली फिजिक्स पढ़ने के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और ये होता है आर थीटा और फाइव। इन तीनों रेफरेंस सिस्टम से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, किसी भी लाइन को लोकेट कर सकते हैं, किसी भी प्लेन को लोकेट कर सकते हैं। तो बट लोकेट करने के लिए रेफरेंस सिस्टम की तो आवश्यकता है ना हमारे हमारे मतलब हमको, तो वो रेफरेंस सिस्टम कौन कौन है, तो ये है तीन। अब हम आपको बताते हैं, हमारा किस्मत अच्छा है कि अभी 12th में हमको इनके बारे में कोई स्टडी नहीं करनी है, हालांकि हम इसके पे एक सवाल आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये एक बार मतलब हो सकता एक बार बहुत पहले 1992 में पूछा गया था, तो इसका चर्चा हम करेंगे एक क्वेश्चन पे, दैट इज मोर देन एनफ। बाकी 99% केस में आपको यही पढ़ना है, और ये तो अभी आएगा ही नहीं, ये जब इंजीनियरिंग वगैरह करने जाओगे तो वहां आएगा, तो इसका तो बात ही खत्म कर दीजिए, इसके ऊपर एक सवाल बताएंगे, उससे आपको ही समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मेरा वही मतलब है, हमको आपको आइडिया दिलाना है बस, ठीक है। और ये हर केस में पढ़ेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों को लिख लीजिए, और उसमें मुख्य बात अब हम इसका करेंगे, इसका बात अभी नहीं करेंगे, बाद में एक क्वेश्चन पे आएगा, इसको लिख लीजिए। चलिए, इन तीनों के बाद
जो हमको पढ़ना है होते ये है, हमको पढ़ना ये है, ऐसा समझिए बस। एक्स वाई और जेड ये होता है, तो हम यहां तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको हम यहां ड्रॉ करते हैं। बट ये यहां नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऊपर नीचे है। बिकॉज आई एम ड्रॉइंग द कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, देन दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ये ठीक है ना, रिप्रेजेंट यहां नहीं कर सकते इसलिए इसको हम ऐसे दिखाए हैं, ठीक है। ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद रखिएगा ओरिजिन, ये भी याद रखिए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान रखिएगा, इसको एक्स लेना है, इसको वाई लेना है, इसको जेड लेना है, जब तक हम आपको ना बोले तब तक ये बात याद कर लीजिए, रट लीजिए। हम आपको बताएंगे कि कन्वेंशनल क्या होता है, मतलब कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको सही क्यों बोलते हैं, कन्वेंशन क्या है, हम इसका बात करेंगे बाद में। लेकिन जब तक ना करें तब तक याद रखिए कि अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको बनाना है तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा और ये जेड होगा। ऐसा नहीं कि इसको इसको बना दिए और जेड अंदर कर दिए, गलत हो जाएगा वो। ऐसा क्यों होगा वो भी समझ में आ जाएगा, बट वेट टिल आई से, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये तीनों, ऑल द थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कुछ बातों को और समझते हैं। जैसे किसी पॉइंट को लोकेट करना है इस पे, सपोज एक पॉइंट P है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y और z, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बोलते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x, y और z, ठीक है। ये है आपका क्या, ओरिजिन। तो एक्स वाई जेड मान लीजिए वो पॉइंट यहां पे है, दिस इज पी, एक्स वाई और जेड। तो ये एक्स में कितनी दूरी पे है, मान लीजिए यहां पे, दिस इज एक्स, एक्स चले, फिर चलना है वाई, मान लीजिए यहां पे, दिस इज वाई, फिर चले इधर, मतलब कैसे गए, एक्स वाई और जेड रिप्रेजेंट यहां पे किया है, ठीक है, ये ठीक है ना। तो ये एक्स वाई जेड को के हेल्प से हमको ये पॉइंट मिल गया, मतलब कि ये ओरिजिन है, तो एक्स चले, फिर वाई चले, फिर जेड चले, दिस इज अ पॉइंट, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, ये कैसा प्लेन है, कितने एक्सिस यूज हुए हैं इसमें, तीन। कितने एक्सिस यूज हुए हैं, तीन। कितने एक्सिस यूज हुए हैं, तीन। तो ये कितना डायमेंशन का है, ये कितने डायमेंशन का है, कितना डायमेंशन है इसमें, तीन, ठीक है ना। ये है आपका, इसको बोलेंगे 3D, यानी कि थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। क्यों, क्योंकि x आपने लेंथ भी लिया है, ब्रेथ भी लिया और हाइट भी लिया, इसको बोलेंगे 3D, ठीक है। फिर अभी हम इधर नहीं आ रहे हैं, सब इसी का पार्ट है। अगर हम सिर्फ ये लें, x लें और y लें, अब y या z ले लीजिए, जो भी कोई भी दो एक्सिस लीजिए, डायरेक्शन कितने कितने डायमेंशन है, दो, इसको बोलेंगे 2D, टू डायमेंशन। ये सब बेसिक्स है एकदम, ठीक है। ये हो गया क्या, 2D, ठीक है। इसको, ये थ्री डायमेंशन को हम लोग स्पेस कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेस में बात करते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट। ये 2D, इसको बोलते हैं प्लेन कोऑर्डिनेट। ये एक प्लेन क्रिएट करता है, दो डायमेंशन का यूज करके हम लोग प्लेन निकालते हैं, प्लेन कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पूछे कि दो डायमेंशन अगर चाहिए तो कितने डायमेंशन होने चाहिए उसमें, दो, ठीक है। उसके बाद अगर वन डायमेंशन हो तो सिर्फ ये, या तो x ले लीजिए, या इधर y ले लीजिए, या इधर z ले लीजिए, इसको बोलेंगे वन डायमेंशन,
ठीक है। अब जिसका बात करें, जिस भी डायमेंशन हमको बात करना है, इसको 2D के नाम से भी जानते हैं, इसको 1D के नाम से भी जानते हैं, और उसको 3D के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, केस टू केस, कि हम किस में बात कर रहे हैं, हम 3D में बात कर रहे हैं कि 2D में बात कर रहे हैं कि 1D में बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1D मतलब एक डायरेक्शन, 2D मतलब दो डायरेक्शन, मतलब प्लेन में चलना है, और 3D मतलब तीन डायमेंशन, मतलब स्पेस में चलना है हमको। 2D मतलब प्लेन में चलना है, 1D मतलब लाइन में चलना है, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। अगर मान लो कोई पॉइंट को यहाँ डिनोट करना है, ठीक है, सपोज करो दिस पॉइंट इज पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई। हम क्या करेंगे, हम एक्स पे चलेंगे और फिर वाई पे पहुंच जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई। इसमें सपोज एक पॉइंट पी पे पहुंचना, ये ओरिजिन है, अगर तो एक्स पे पहुंचना है तो ये है पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, क्योंकि 1D है। मेरी बात आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर 3D पे पहुंचना है और अच्छे से समझना है तो वो भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए 3D को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, सीख लीजिए इसको कैसे करते हैं, वीडियो को धीरे धीरे करके सीख लीजिए। ये अगर ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो मान लीजिए ये एक्स है, एक्स, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है। तो हमको एक्स वाई जेड पहुंचना है, तो हम एक्स पे चले, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स, ये वाई, और फिर इधर से यहाँ आ गए जेड, जेड के अलॉन्ग, ये जेड के अलॉन्ग हो गया, जेड के अलॉन्ग। तो ये जो पॉइंट पहुंचा पी, एक्स वाई जेड, ये है पॉइंट पी, ऐसे पहुंचता है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 3D का केस जब भी करेंगे, आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इमेजिन सही ढंग से करिए, हम कोशिश करेंगे कि एक एक बात क्लियर हो, ठीक है ना। जहाँ नहीं हो वहाँ हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये सारी बात, छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, फिर हम लोग अब यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप पॉज करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन प्रोसीड। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन के आधार पे हम लोग इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। नोमेनक्लेचर है भाई साहब टेंसर क्वांटिटी। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये बुक, ये आपको किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, या कुछ कुछ अच्छी अच्छी बुकों में लिखा भी मिलेगा, बट आज आप समझ लीजिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी सब टेंसर क्वांटिटी है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, जो मैग्नीट्यूड होता है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन, ये जो मैग्नीट्यूड होते हैं ये हमेशा एक ही नंबर होता है, जैसे 100 एक ही हुआ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी के साथ दो मैग्नीट्यूड आ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है। अगर आपने बोला कि मेरे पास 100 kg आम है, तो आपके पास 100 kg है, मतलब 100 है, क्वांटिटी कितना है, 100 है, नंबर तो फिगर तो एक ही है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जिस समय आपके पास 100 आम है उसी समय आपके पास 200 आम है, ये तो गलत बात है ना। मैग्नीट्यूड कभी भी एक ही होता है, क्वांटिटी हमेशा एक ही होता है, बात है समझ में। डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं, समझे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज अ टेंसर क्वांटिटी, सबसे पहली बात तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अब इसमें कई तरह, जैसे फिजिकल क्वांटिटी कई सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का जरूरत है, किसी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कोई एक डायरेक्शन में डिपेंड करता है, कोई दो डायरेक्शन में डिपेंड करता है, कोई तीन डायरेक्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको डिफाइन भी करते हैं। जैसे अगर कोई क्वांटिटी है, पहला ये, अगर कोई क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी 2 नहीं हो सकता, अगर 1 है और डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जैसे 100 kg दुकानदार के पास बोलते हो जाके कि 100 kg दाएं से दीजिए या 100 kg बाएं से दीजिए, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो, तो बेवकूफ समझेगा, ऐसा होता भी नहीं है। कभी किसी से टाइम पूछा और बोला क्या, देखो आज 4:05 हो रहा है राइट से, या 4:10 हो रहा है लेफ्ट से, ऐसा कभी सुने हो, ऐसा कभी नहीं हो। डायरेक्शन है ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं, समय का कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है।
तो डायरेक्शन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड वन है, डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी ऑफ जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, ठीक है। और इसको हम लोग स्पेशल नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर, क्या बोलते हैं, स्केलर, ठीक है। दूसरा, अगर किसी के पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी एक है, उसको बोलेंगे क्या, टेंसर क्वांटिटी ऑफ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, वन डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वेक्टर, याद रखिए ये चीज, ये बहुत ही बेसिक चीज है। कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक डायरेक्शन है, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो याद रखिए, सिमिलरली अगर कोई ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दो है, हो सकता है ये, ठीक है ना, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी ऑफ टू डिग्री, ठीक है ना। और इसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते हैं, स्पेशल नाम इन्हीं दोनों का है। क्यों इन्हीं दोनों का है, क्योंकि आपके 95% जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो इन्हीं दोनों में से है, इसीलिए इन दोनों को स्पेशल नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब जैसे स्केलर हो गया, इसमें एग्जांपल क्या होगा भाई साहब, एग्जांपल, एग्जांपल हो गया मास, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा, और भी हैं बहुत सारे, बट ये कुछ कुछ एग्जांपल है। वेक्टर में एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक्स में पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है एक्सेट्रा, फोर्स, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ कुछ क्वांटिटी जो वेक्टर के पास सिर्फ एक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन पे, ठीक है। आप जब ग्रेजुएशन करने जाओगे तो दो डायरेक्शन का पढ़ने के लिए आएगा स्ट्रेस। जैसे इसी का अगर बात करें एग्जांपल, इसका अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अ टू डिग्री टेंसर, ठीक है, स्ट्रेस। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो मोस्टली यहीं तक आके खत्म होते हैं। बट सपोज कोई अगर बदमाशी करने के लिए कोई पूछ दे किसी के पास तीन डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, तो टेंसर क्वांटिटी ऑफ थ्री डिग्री, उसका कोई स्पेशल नेम नहीं, स्पेशल नेम बस इन्हीं दोनों का होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है वो इन दोनों पे, ठीक है ना, ध्यान से, ये आपके समझने के लिए है। हम लोग टेंसर अभी तो सिर्फ, हम लोग स्केलर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ना घटाना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही चलता है, उसमें हमको कोई खास पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, पीएचडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हम लोग को जो पीएचडी करना है वो वेक्टर में करना है, एक डायरेक्शन पे चलना है, ठीक है। हाँ, आगे आने वाले समय में हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे जिसमें टू डिग्री टेंसर है, वो भी मतलब बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर है एचसीबी में, देखिएगा, तो वहां पे ये स्ट्रेस नाम का एक भूत आएगा, ठीक है। खैर, फिलहाल हम लोगों को यही दोनों पे फोकस करना है, और मुख्य रूप से बोला जाए तो सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे बात करे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो सर वेक्टर क्वांटिटी वो होता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल एक डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड तो एक होगा ही, मैग्नीट्यूड तो हमेशा एक ही होता है। आई बात समझ में, चलिए आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज पे, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी के पास कितने डायरेक्शन, अच्छा सबसे पहली बात, एक एक चीज कहीं पे लिख लीजिए, ऑल स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज ओबेज, ओबेज अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स,
जो हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अगर 100 किलो में 2 किलो और जोड़ना है तो 102 किलो हो जाएगा, उसके लिए हमको ज़्यादा टेक्निक लगाने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑल वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे लिखे ओबेज नॉर्मल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, ठीक है। ऑल वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबेज नॉर्मल नॉर्मल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मल, यानी कि अगर मान लो, अगर हम आपसे बात करें, समझिएगा बात को, ठीक है, इसमें और लिख लीजिए, अनलेस और अनटिल दे आर इन सेम डायरेक्शन। अब इसका मतलब समझाते हैं, सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा, ये भी सब सीख लीजिए कैसे बनाते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना, याद रखिए। कैसे पहचाने, ईस्ट में सूरज उगता है और वेस्ट में डूबता है, तो आप ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है, और जब ऐसे खड़े हो गए तो ये ऐसा, ये दाहिना हाथ जो होगा वो साउथ होगा, ठीक है ना, दक्षिण दाहिना, और ये नॉर्थ, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक गाड़ी है VA, एक गाड़ी है जो A है, जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और एक बाइक है B, जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है, ईस्ट। अगर हम आपको बोले कि इन दोनों वेलोसिटी का सम बताइए, यानी कि अगर हम बोले, देखिए वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं एक एरो से, क्यों करते हैं समझ में आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर का सारा खेल एक ही एरो से चलता है। तो VA प्लस VB, अगर हम बोले नॉर्मली कि 5 प्लस 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ये गलत है, ये सही नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स यही कहता है, नॉर्मल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स यही कहता है, बट ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, इसमें तो हमने सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, इसमें हमको इसके डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ओबेज नॉर्मल मैथमेटिक्स हो गया, दूसरी बात अनलेस और अनटिल, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो, अगर सेम डायरेक्शन में होगा सब तो जोड़ सकते हैं क्या अलजेब्रा के हिसाब से, तो आंसर है हाँ, अब जोड़ तब जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि एक ऐसा, ये है एक्स डायरेक्शन, एक वेलोसिटी ए है बाइक का जो 5 मीटर पर सेकेंड इधर चल रहा है टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, और एक वी बी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड एक्स में ही चल रहा है। अगर हम आपसे बोले कि अब बताओ VA प्लस VB कितना होगा, सीधा 10 होगा, ऐसा एक्सप्रेशन से भी आपको आ जाएगा, परेशान मत हो, ऐसा समझे। सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में है तो बेटा डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, बिना डायरेक्शन का ख्याल रखे नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसको नहीं जोड़ सकते लेकिन उसको जोड़ सकते हैं, मेरा मतलब यही था, ठीक है ना। चलिए रब करते हैं इसको, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, सब लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए कुछ कुछ बातें और, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, एक एरो से। एरो क्यों करते हैं, क्योंकि एरो के पास एक हेड होता है, एक टेल होता है, ये उसका हेड है और ये क्या है, टेल। ये तो आप लोग बचपन में भी जान पढ़े होंगे ये सब, एक हेड होता है और ये एक टेल होता है, ठीक है। अब जो बात बोल रहे समझिए,
मान लीजिए इफ इट इज ओ एंड इफ इट इज सपोज इफ इट इज ए एंड सपोज इफ इट इज बी, ठीक है, अगर ये ए है और अगर ये बी है, इंड पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुने, ये क्या है, एक लाइन है, क्या है ये, एक लाइन है, एक ही लाइन है ना, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर लिए, मिनिमम कितने पॉइंट्स का हो सकता है, दो, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये पता चल जाए तो क्या हम एक लाइन नहीं खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, और एक एरो साइन दे देंगे, अगर हमको बता दिया जाए कि वो इस तरफ है तो हम एक एरो दे देंगे तो हमको पता चल गया कि हाँ जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो एक एरो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, इसका लिखने का तरीका क्या है, तो ए और बी, यानी कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा और उसके ऊपर ये डालेंगे, ठीक है, इसको ये क्या है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी के ऊपर ये लगा हुआ है, मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये और ये हो गया इसका डायरेक्शन, आई बात समझ में, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है, अच्छा, इसको वेक्टर के टर्म में क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, सब लिखवाएंगे, परेशान बिल्कुल मत हो, यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया, कितने डायरेक्शन होते हैं, एक, तो एक ही डायरेक्शन तो आया है, अगर दो रहता तो ऐसे ऐसे यूनिट वेक्टर दो होते, ठीक है, ये ए बी एक ही टर्म है दोस्तों, ठीक है, ए बी, ए बी के ऊपर कैप, इसको कैप बोलते हैं, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अच्छा भाई साहब, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, चलिए फिर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो याद कर लीजिए, इसका जो लेंथ होता है कि जितना कितना बड़ा है, ये जितना बड़ा है उसका लेंथ वही उसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ ऑफ एनी वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, अब इस बात को समझिए, अगर मान लो हम आपको बोले कि ये और ये, ऐसा नहीं है कि दो मीटर पर सेकेंड है, तो सर दो मीटर पर सेकेंड का लेंथ क्या होता है, ये मेरे लिए मायने नहीं करता है, हमको बस इतना समझना है कि अगर हमको दो मीटर पर सेकेंड और चार मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करना है तो किसको छोटा करेंगे, किसको बड़ा करेंगे, तो अगर ये दो मीटर पर सेकेंड है तो ये चार मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसके लेंथ डिटरमाइन करती है, ये रिलेटिव होता है कि अगर एक छोटा होगा तो दूसरा को बड़ा करना पड़ेगा, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जो कर लीजिए, छोटा सा अंदाज में, ताकि पकड़ में आए कि कौन बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो कहने का मतलब है लेंथ रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कितना बड़ा है वो वेक्टर, ठीक है, दूसरा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन, ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, तो इसको डिफाइन कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर समझाते हैं, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका यूज क्या है समझिएगा, आपको पहले 100 मीटर जाना था तो आपने क्या किया, आपको एक मीटर का नॉलेज था तब ना आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा कर दिए, है ना, तो अगर हमको यूनिट वेक्टर का नॉलेज होगा, अगर हमको यूनिट वेक्टर का नॉलेज है कि भाई साहब इसका डायरेक्शन ये है, ये है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका जो है, इसको अगर हम ये रिलेटिवली इसको अगर हम वन माने, जिसका मैग्नीट्यूड वन है, तो ये है क्या, ए कैप, ठीक है,
मैग्नीट्यूड इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कि एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन, ठीक है। तो जिस तरह हमको वन मीटर का नॉलेज था, तो अब हमको कितना भी बड़ा डिस्टेंस चाहिए तो हम उसमें वन मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमको यूनिट वेक्टर पता है तो उसमें कितना भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा वेक्टर बन जाएगा। अब कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर को कितना भी चाहिए स्केल कर दो, अगर हमको एक कैप पता है, यूनिट वेक्टर पता है, तो उसमें मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो उसको, जितना मर्जी है उतना बड़ा कर दो। अगर सपोज करो 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10 गुना होगा, 10 ए कैप, ये 1 ए कैप है तो ये 10 ए कैप है। अब उसको जितना लंबा खींचना है उसको लंबा खींच लेंगे। ये महत्व है दोस्तों यूनिट क्वांटिटीज का। जब तक आपको यूनिट क्वांटिटीज का नॉलेज नहीं होगा, आप कुछ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी में हम लोग यूनिट क्वांटिटीज को सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर। अब आपको जितना बड़ा वेक्टर चाहिए उसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना बड़ा वेक्टर हो जाएगा वो। आई बस समझ में, जैसे ये ए बी वेक्टर, हो सकता है इसका ये ए बी कैप यहीं पे होगा, ये ए बी कैप, उसमें हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके इसको इतना बड़ा कर दिया। उसी डायरेक्शन हमको बस यूनिट वेक्टर किस लिए चाहिए, एक डायरेक्शन पता करने के लिए किस तरफ है। अगर इस तरफ है तो आप लो इतना बड़ा डंडा कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना मल्टीप्लाई करना है कर दो। डायरेक्शन बस हमको बताता है वो कि इस तरफ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, लिख लीजिए इसको। अब इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब इसी के नीचे कुछ लाइनें और लिख लें, इसी के नीचे, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स में हम लोग दोस्तों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कि अगर किसी को एक्स के डायरेक्शन में जाना है, इसको डाइजेस्ट कीजिए, कि अगर एक्स के डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, तो दोस्तों उसको हम आई लेते हैं, आई कैप। अगर कोई वाई के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, जे कैप। अगर कोई जेड के डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन सा लेंगे, के कैप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आई कैप, जे कैप, के कैप, आर दी यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों बात ध्यान से सुनिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, वो वाई के डायरेक्शन में जा रहा है, वो जेड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स वाई जेड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई जे और के का यूज करते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप। कैप क्यों किया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। कोई हमसे पूछ लिया कि सर आई कैप क्या वन होता है, हाँ, दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड वन होगा, ये बात आप याद रखें। आई बात समझ में, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। याद रखिएगा, यहां पहले ए देंगे तब बी देंगे, ऊपर एक एरो का साइन देंगे। तो अब ये एरो क्यों लेते हैं, समझ में आया, क्योंकि एक एरो से एक ही डायरेक्शन का पता चलता है, इसलिए ए बी के ऊपर अगर एक एरो लगा हुआ है मतलब क्या है वो, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर एक एरो लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना ही समझिए, ठीक है। चलिए,
इतना समझने के बाद फिर हम आगे आते हैं। वेक्टर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वेक्टर को? जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ये है ए और ये है बी, ठीक है। इसी दोनों पॉइंट का क्यों नाम लिए? क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही मुख्य हैं। क्यों मुख्य है? क्योंकि इस दोनों पॉइंट की मदद से हम एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि एक वेक्टर क्या है? जनरली एक लाइन है, एक लाइन है ना, जिसके ऊपर एक कैप पहना दिया गया है तो लाइन ही ना बेसिकली। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने नंबर का पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं? दो, एक शुरू वाला एक बाद वाला। आई बात समझ में? तो अगर कोई ये वेक्टर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? समझिए बात को। मान लीजिए कि ये, समझिएगा बात को, दिस वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? सबसे पहले ए बी वेक्टर, ठीक, और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वन। क्यों? अच्छा एक मिनट, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक पॉइंट है ना भाई साहब। अगर कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसा है एक्स वाई और जेड, ओके, सो सपोज कोई वेक्टर है तो इसका कुछ ना कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेफरेंस पॉइंट तो होगा ना, और इसका दो पॉइंट है। अब पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मैंने आपको बताया। मान लीजिए कि यहां पे ये पॉइंट है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, ठीक है, और इस पॉइंट का है x2, y2 और z2, ठीक। इस वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे ऐसे समझिए, ये है x, ये है y और ये है z, ये है ओरिजिन। समझिएगा बात को। अगर हम बात करें ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट कहां पे है? मान लीजिए ये है x1, ये क्या है x1, ये क्या है y1, और मान लीजिए ये है z1। ये है z1, ठीक। तो ये किसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है? ए पॉइंट का। अब बी पॉइंट की बात करें तो मान लो बी पॉइंट यहां है, उसका x2 यहां पे है, x2, ये मान लो है y2, ठीक है, और इसको इधर नहीं करके ये है z1 और ये मान लो है z2, ठीक है। अब हम आपको इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर कहां से कहां तक गया? a से लेकर b तक। कहां से कहां तक खींचा है? a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। वेक्टर स्पेस में कहां से कहां तक फैला है? a से लेकर b तक, ठीक है, स्पेस में फैला है, मतलब तीन कोऑर्डिनेट फैला है। हम एक एक कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। अगर हम आपसे पूछे एस, इसमें कहां से कहां गया ये वेक्टर, एक्स में कहां से कहां तक गया? एक्स वन से एक्स टू तक चला तो इतना ही ना, तो ये कितना डिस्टेंस है? एक्स टू माइनस एक्स वन। दोस्तों बहुत बेसिक है ये, याद रखिएगा, ठीक है। वाई में कहां से कहां तक गया? वाई टू माइनस वाई वन। और जेड टू में कहां से कहां तक गया? जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे समझिए बात को, ये ध्यान देने वाली बात है। हम x में कितना गए? x2 माइनस x1, ये हुआ मेरा मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? x का। x का यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप, अभी तो आपको बताया। फिर किधर जाना है? फिर किधर जाना है? y में। कितना मैग्नीट्यूड है? y2 माइनस y1। यूनिट वेक्टर क्या है? j कैप। फिर किधर जाना है? z2 माइनस z1, z में। z का यूनिट वेक्टर क्या होता है? k। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर का।
अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आई जे या के लगा है तो समझ लीजिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देख के डरना है ही नहीं बिल्कुल, क्या है इसमें, लिख लीजिए। आप, हमने आपको 3D में बताया, आप चाहे 2D में भी कर लीजिए, वही आता है। 2D में जाए, 1D में जाए, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर किस में है, स्पेस में, स्पेस में कहीं पे है। क्यों? क्योंकि आई जे के तीनों डायमेंशन है, ये 3D वेक्टर है। कैसे समझ में आया? तीनों यूनिट वेक्टर है, आई जे के हम समझ गए कि एक्स वाई जेड तीनों है, तीनों डायमेंशन है। तो ये स्पेस वेक्टर है, स्पेस में है कहीं पे है। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को भी, लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इन सारी बातों पे, याद रखें। ये सब छोटी छोटी बात है जो बताया नहीं जाता है जनरली, और वो बच्चों के मन में डाउट ही रह जाता है। चलिए देखिए, अब बात करें नोट में। नोट में क्या लिखना है, इफ ऑल दी थ्री यूनिट वेक्टर्स, दैट इज आई कैप, जे कैप और के कैप, आर प्रेजेंट इन एनी वेक्टर एक्सप्रेशन, देन दैट वेक्टर इज अ 3D वेक्टर और वेक्टर इन स्पेस। ठीक, पहली बात। फिर दूसरा, इफ एनी 2 यूनिट वेक्टर्स आर प्रेजेंट, कोई भी दो आर प्रेजेंट इन एनी वेक्टर एक्सप्रेशन, इन एनी वेक्टर एक्सप्रेशन, आर कॉल्ड 2D वेक्टर और प्लेनर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन में। अभी सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी बताएं, जोड़ना घटाना इसे कुछ नहीं, बाद में सब, ठीक है। इफ एनी वन यूनिट वेक्टर प्रेजेंट इन एनी वेक्टर एक्सप्रेशन आर कॉल्ड 1D वेक्टर, ठीक है, और लाइन वेक्टर, लाइन नोट में ना लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, अगर हम आपसे पूछें कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कैसा वेक्टर है ये? 3D, तीनों प्रेजेंट है, 3j कैप प्लस 2k कैप, कैसा वेक्टर है ये? प्लेनर वेक्टर है, ठीक है। कैसा वेक्टर है ये? 1D वेक्टर है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, वेक्टर पढ़ने पढ़ते पढ़ते। चलिए ये बात आप याद रखें, ये 3D 2D और 1D लिख लीजिए।
अच्छा एक बात और याद रखें कि जो ये लिखे हैं ना यहाँ पे ए और बी, इससे पहले वाले टॉपिक में, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लिख लीजिएगा, याद रहेगा, इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और वेक्टर पॉइंट, दो वो पॉइंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। एक होगा इनिशियल पॉइंट और दूसरा होगा वेक्टर पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। अच्छा चलिए, तो एक एग्जांपल करते हैं इस पर। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1, 2 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1, 2 और 5। मान लीजिए इफ आई एम आस्किंग अबाउट कि राइट डाउन इट्स वेक्टर क्वांटिटी, कैसे लिखोगे इसको वेक्टर? सपोज इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, देन हाउ वुड यू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म? सो यू हैव टू जस्ट फर्स्ट राइट ए टू बी, और इसको लिखना पड़ेगा ए बी वेक्टर, पहली बात तो ये। उसके बाद क्या करना है, एक्स को एक्स में से घटाना है, तो -1, -1 तो हो गया -2 आई कैप, क्यों? क्योंकि ये एक्स वाला है, याद करिए। उसके बाद प्लस 2, -2 0 जे कैप, फिर प्लस 5, -3 दैट इज 2 के कैप, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, जोड़ना घटाना सही से आना चाहिए। एक और एग्जांपल कर लीजिए, सपोज इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, सपोज इट्स कोऑर्डिनेट इज -1, 2 और -5, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3 और 8, सपोज ऐसा कोऑर्डिनेट है, कुछ भी, कोई भी रहे, क्या फर्क पड़ता है आपको, वेक्टर एक्सप्रेशन आपको निकालना है, क्या होगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू -2, -2, -1, आई थिंक आपको जोड़ घटाओ तो आता है कम से कम, ये हो गया आई कैप, फिर लिखेंगे प्लस -3, -2 प्लस -3, ये तो प्लस में इससे दिक्कत नहीं है, -2 जे कैप प्लस, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, 8, -5, ठीक है, एक के कैप, जनरली के कैप को उधर रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो -2 ये प्लस हो गया तो -1 आई कैप, ठीक है, फिर -2, -2, -5 और प्लस -, तो -5 जे, 8, -+ 8, 5, 13 तो +13 के, ये ठीक है। दूसरी बात, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी 1 को ना लिखे तो -i, -5j, +13k, ठीक है, ये आंसर है इसका, 1 नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आध एग्जांपल हो गया ये इस तरीके का, ठीक है ना। कभी भी दो कोई पॉइंट दे दे और आपसे वेक्टर पूछ ले तो आप ऐसे बना लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब कुछ कुछ वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इन सारी बातों को पॉज करके। चलिए तो अब हम लोग आते हैं कुछ कुछ वेक्टर्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे पॉइंट वेक्टर। पॉइंट वेक्टर क्या होता है, ये सब डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 और 0 हो। ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट 0, 0, 0 उसको पॉइंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ हो, ओरिजिन पे हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट वेक्टर, सॉरी इट इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर, गलत हो गया, पोजिशन वेक्टर, सॉरी सही कर लें इसे, पोजिशन वेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, पोजिशन वेक्टर, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सपोज इफ दिस इज ए, ठीक है, और इसका और ये है आपका, तो इस दोनों में से इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला। ये कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे, ठीक है। और मान लीजिए ये एक्स, ये है आपका एक्स वाई और जेड, यानी इस ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे? ओ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो आई कैप वाई माइनस जीरो वाई जे कैप और प्लस जेड ए। आई बात समझ में? तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर। इस OA को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। ये OA कौन सा वेक्टर हो गया? पोजीशन वेक्टर। तो जिस किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर ओरिजिन पे है तो उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में? ओके, चलो और भी वेक्टर्स को डिफाइन कर लेते हैं। पोजिशन वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर तो डिफाइन कर दिया मैंने, उधर हो गया। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। पोजिशन वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा, ठीक है। फिर और लिखिए कंकरेंट वेक्टर। इसको डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज वेक्टर्स हुज वेक्टर्स मतलब कई सारे वेक्टर हुज वेक्टर्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। जैसे कंकरेंट लाइन होता था ना, वैसे ही है वन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये सब कंकरेंट वेक्टर्स हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं सब। दीज आर व्हाट? कंकरेंट वेक्टर्स, ठीक है ना। लिख लीजिए, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स इट इज डिफाइंड एज वेक्टर्स अलोंग अ लाइन। जैसा कि आप लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं इन सब बातों को, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में, ठीक है ना। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सब अलोंग लाइन है। तो आप बोलोगे कि ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। उसमें क्या हो गया? जैसे मान लो इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी C and D are concurrent vector. लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। सब नोमेनक्लेचर्स है, कुछ कुछ टाइप्स के वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर,
पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर, और एक मिनट हो गया, पैरेलल टू ईच अदर पहली बात, उसके बाद वेक्टर्स हुज यूनिट वेक्टर्स आर सेम, यूनिट वेक्टर्स आर सेम, यूनिट वेक्टर सेम का क्या मतलब, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, सपोज करो ये, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए अगर ये एक्स है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, आई की तरफ, इसको भी आप ऐसे लिखोगे, इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा और ये आई कैप, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ये है बी, ठीक है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन अभी इसका आई की तरफ ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखो दोनों का यूनिट वेक्टर आई ही है क्योंकि एक्स के पैरेलल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे वेक्टर्स का जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे ये, तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर बराबर है उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर क्या पैरेलल है, अरे बिल्कुल है भाई, ये पैरेलल नहीं है क्या, ये भी पैरेलल है जिसके दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो है, खत्म कहानी, है तो पैरेलल ही, ठीक है, ओके। दूसरी बात और आ जाइए, एंटी पैरेलल वेक्टर, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में जीरो डिग्री, इसके और इसके बीच में जीरो डिग्री, अरे इसके बीच में भी जीरो डिग्री है, कंफ्यूज मत हो, एंगल ऐसे खुलता है, ये तो खुला ही नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। एक तो ये डेफिनेशन हो गया, दूसरा एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर जीरो, याद रखें भूले नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, सो वेक्टर्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यू कैन से कि दोनों कैसे है, एंटी पैरेलल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये एक्स है तो ये क्या है, माइनस एक्स, पढ़े हो ना पहले भी आप, अगर आई कैप लगाए हैं तो इस तरफ है, और माइनस आई कैप का मतलब क्या है, इस तरफ है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अगर जे प्लस इधर है तो जे माइनस इधर होगा, ठीक, सीधा उल्टा। तो कहने का मतलब है ऐसे केस के लिए क्या होगा कि यूनिट वेक्टर ए का बी के यूनिट वेक्टर के निगेटिव के बराबर है, और ये तो सही है ना, अगर इसमें निगेटिव लगा दे तो इधर हो जाएगा, तब तो दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर्स आर कितना बताओ, 180 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो ये ऐसे वेक्टर खुला, ये खुलते खुलते इधर चला आया, तो कितना खुल गया, 180 डिग्री, इसके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। फिर लिखिए इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर,
इसमें लिखेंगे वेक्टर्स विच आर इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो डायरेक्शन में बराबर हो उसको बोलेंगे क्या, इक्वल वेक्टर्स. जैसे सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना. तो वो सारे पैरेलल वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है उसको बोलेंगे क्या, इक्वल वेक्टर्स. जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए ये और इसके यूनिट वेक्टर ये, इसमें क्या क्या बराबर होगा और ये, आई बात समझ में. दूसरा इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इसमें क्या लिखेंगे, वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब इफ इट इज ए वेक्टर एंड इफ इट इज बी वेक्टर, ठीक है. दोनों का लेंथ देखो, लगभग बराबर मैंने रिप्रेजेंट करा ना, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है बस और कुछ नहीं. अगर बोलोगे कि सर कोई भी वेलोसिटी है तो उसमें तीर दिखाई देगा क्या, अगर मोटरसाइकिल वाला चल रहा है नॉर्थ में तो एक नॉर्थ का तीर भी उसके साथ साथ चलेगा क्या, आंसर है नहीं, कुछ नहीं चलेगा उसके साथ में. रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है ना. तो रिप्रेजेंट ढंग से करें बस, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और ये, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और ये बी कैप. सिंपल, ठीक है. उसमें लिख सकते हैं कि ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो ऑल इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर आर एंटी पैरेलल, आंसर है हाँ. ऑल एंटी पैरेलल आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का आंसर है नो, मे और मे नॉट बी. उसी तरह ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, यस. ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, नो, इट मे और मे नॉट बी. सिंपल है, आप एनालिसिस कर सकते हैं. चल हो गया ये. हो गया, अब लिखिए प्लेनर वेक्टर. प्लेनर वेक्टर्स ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन आर कॉल्ड प्लेनर वेक्टर, ठीक है. प्लेनर वेक्टर इसको समझते हैं. जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा क्यूबॉइड, ये इसमें कई सारे प्लेन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन, बहुत सारे प्लेन जुड़ जुड़ के बने हैं. मैं आपको समझाता हूं, समझे. जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे ये एक प्लेन है तो ये दूसरा प्लेन है,
अब ऐसे ऐसे प्लेन काट काट के कितने निकाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, काटो निकालो, काटो स्लाइस करो निकालो, तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट प्लेन्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे वेक्टर, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए इसमें इसी प्लेन में एक ए वेक्टर है, इसी प्लेन में बी वेक्टर है, ठीक है, समझिएगा, बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन में सपोज करिए सी वेक्टर है, इस प्लेन में सपोज करिए डी वेक्टर है, ठीक है। तो ये ए और बी आपस में कोप्लेनर है, सी और डी आपस में कोप्लेनर है, लेकिन ए और सी कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन है। मान लीजिए ये प्लेन ए है, ये प्लेन ए है और ये प्लेन बी है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, सी किस प्लेन में है, ये प्लेन ए में है, इसको प्लेन वन कर लीजिए, इसको प्लेन टू कर लीजिए, किस प्लेन में ए और बी, प्लेन वन में, ठीक है। सी एंड डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, किस प्लेन में है, ये प्लेन वन में, ये किस प्लेन में, प्लेन टू में, बट ए एंड सी आर नॉट कोप्लेनर, क्योंकि वो एक प्लेन में थोड़ी ना है, आई बस समझ में, वो कोप्लेनर नहीं है, वो एक ही प्लेन में है ही नहीं, आई बस समझ में। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो ये लिख लीजिए इसको, ठीक है। एक होता है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज डिफाइंड आर कॉल्ड सॉरी उल्टा लिख दिया whose initial point is not defined, ठीक है, means it is along the axis, these are called axial vector, ठीक है ना। जैसे एक circle है, ठीक है, आप लोग ना टेंथ में पढ़े थे, अगर बोला जाए इसको, सपोज करिए कि टेंथ में पढ़े थे कि एक कॉयल है, राइट हैंड थंब रूल पढ़े होंगे टेंथ में, कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसको अगर ऐसे पकड़े कि ये करंट का डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, या फिर अगर एक सर्कुलर कॉयल है जिसमें कि ये करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, पढ़े होंगे आपको बचपन में, क्या कोई लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा मैंने रिप्रेजेंट करा, एक सर्कुलर कॉयल है और ये ऐसा, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है आपको, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बताएं इसमें बी का कोई इनिशियल पॉइंट कहीं डिफाइन है क्या, नहीं, ये आप चाहे तो और बड़ा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे और इसको लंबा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा था बचपन में,
तो ये जो राइट हैंड थंब से थंब जिसको रिप्रेजेंट करता है वो एक्सियल वेक्टर है, वो एक एक्सिस के अलोंग है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये कोई पता नहीं है, बस हमको ये पता है कि उस एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, आप यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे तो उसमें फिर से आएगा ये। ठीक है, तो बी वेक्टर इज एन एक्सियल वेक्टर। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए सारी बातों को। फिर है आपका पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, वेक्टर्स हुज इनिशियल, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट इज डिफाइंड आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये यहां से शुरू हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पोलर, जिसका इनिशियल पॉइंट डिफाइंड हाँ यहां पे है, यहां से यहां तक चलना है, इसका डिफाइंड है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर्स। ठीक है, इसको बोलेंगे पोलर वेक्टर्स। ओके, लिख लीजिए इसको। इसको लिख लीजिए। ठीक है, और भी तीन टाइप है, लिखा देते हैं, समझने की कोशिश करिए। एक होता है फ्री वेक्टर, इतना तो हो गया, सब वेक्टर्स का टाइप हो गया। फिर आता है फ्री वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड पैरेलली एनीवेयर इन द बॉडी आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए कि एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक, हालांकि आगे पढ़ना है आपको। मान लीजिए इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है और ये मान लीजिए चल रहा है इधर, ठीक है, इसका वेलोसिटी v है इस तरफ, इस वेलोसिटी को आप यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मर्जी हो यहाँ कर लीजिए, चाहे मर्जी हो यहाँ कर लीजिए, क्योंकि इसके सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस एरो को रिप्रेजेंट करना आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, जहाँ मर्जी है कर लीजिए। ठीक है ना, ऐसे वेक्टर्स जो इसको पैरेलली कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों स्लाइडिंग वेक्टर। स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक है, स्लाइडिंग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग अ लाइन, अलोंग अ लाइन आर कॉल्ड स्लाइडिंग वेक्टर।
जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए एक फोर्स लगा, मान लीजिए इस लाइन के अलावा फोर्स लगा, ठीक है, तो आप इस बॉडी पे फोर्स यहाँ भी दिखा सकते हैं, आपका मर्जी है तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, आपका मर्जी है तो यहाँ भी दिखा सकते हैं, इन इस लाइन के लोग कहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस लाइन के लोग इधर नहीं जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। अगर हम इस फोर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर दें तो ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। ये क्या है बेसिकली, वेक्टर के अंदर का टाइप है, है ना, फ्री वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर, फिक्स वेक्टर, ये सब वेक्टर के अंदर का टाइप है। ये समझना जरूरी इसलिए है, हम बताते हैं किस लिए है। पहले समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक डस्टर है, ठीक है, हम 2 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ये इस पे, ये डस्टर कहीं नीचे गया नहीं, ये क्यों नहीं गया, क्योंकि हम यहाँ से पकड़े हैं और 2 न्यूटन का यहाँ पे लगाए, कहीं गया नहीं गया। चलो वो 2 न्यूटन हम यहाँ लगाते हैं, जा ये तो नीचे जा रहा है, पकड़े तो हम अब भी हैं, लेकिन ये नीचे क्यों जा रहा है, तो आंसर है रोटेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, रोटेशन आ रहा है। तो क्या ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन क्या सेम है, आंसर है नहीं, इस 2 न्यूटन का कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस 2 न्यूटन का रोटेशनल इफेक्ट है ना, तो ये 2 न्यूटन पैरेलल ही है लेकिन दोनों अलग अलग है। मेरी बात समझ आ रही है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, प्रेशर मत ले दिमाग पे, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बट मोटा मोटी बात आपको छोटा छोटा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्स का गलत हो जाएगा, तो फॉर इसमें क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों। आप जब सीक्वेंस भी पढ़ोगे ना, जब आगे पढ़ना शुरू करोगे फिजिक्स, अभी तो खैर बेसिक ही चल रहा है, तो पहले ये पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे तब आगे आओगे आप फिक्स्ड वेक्टर के। फ्री वेक्टर सबसे आसान वेक्टर, फिर आता है ये स्लाइडिंग वेक्टर, फिर आएगा हम लोगों को पढ़ने के लिए फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है ना। अब फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है वो भी देख लीजिए, ठीक है ना, वेक्टर्स विच कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड एट अ पॉइंट, एट अ फिक्स्ड पॉइंट ओनली, एट अ फिक्स्ड पॉइंट ओनली आर कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर। आई बात समझ में, जिसको केवल एक पॉइंट के अबाउट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मान लीजिए एक स्टील रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स किया गया है, इसको फिक्स किया गया है, और यहाँ पे हम इस पर एक फोर्स लगाए, क्या लगाए, फोर्स लगाए, तो ये तो झुकेगा ना, तो इसमें एक मोमेंट आएगा, ये एक मोमेंट आएगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ भी, इसलिए बस जो हम बता रहे हैं समझिए कि वो सही है, ठीक है ना। एक टर्म आता है टॉर्क या मोमेंट, ठीक है ना, या टॉर्क, ठीक है ना। तो कितना होता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये पॉइंट है ओ, एंड देर इज एन एक्सिस लाइक दिस बाहर की तरफ। अच्छा देखो, बोर्ड के आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है आउटवर्ड। आप आज से समझ लीजिए, हम हमेशा इसका यूज करेंगे आउटवर्ड, और अगर ये है इसका मतलब है इनवर्ड, इनवर्ड याद रखें। तो अगर ये ऐसे चल रहा है, मतलब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो ठेंगा किधर है, राइट हैंड रूल से ठेंगा अंदर की तरफ है ये, तो इसका जो टॉर्क होगा कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके अबाउट लग रहा है, तो इसके अबाउट लग रहा है, तो फोर्स इंटू यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, L, दैट इज F इंटू L, ठीक है। और ये किस तरफ है, अंदर की तरफ। तो अब मुझे बताइए, क्या इस सिंबल को हम यहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे या यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किसी और पॉइंट पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टॉर्क एक कैसा वेक्टर हो गया,
फिक्स्ड वेक्टर। और अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टाउ, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ अबाउट ओ इज एफ इन टू एल, ठीक है ना। तो इसमें जो जो आएंगे वेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल्स एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा, ये सब पहले हमको पढ़ना होगा, फ्री फिर स्लाइडिंग फिर उस पर चलेंगे। जैसे जैसे फिजिक्स का आगे बढ़ेगा, पहले काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सलेशन पढ़ोगे, फिर आएगा एनएलएम जिसमें फोर्स के बारे में पढ़ोगे, फिर आएगा रोटेशनल मोशन जिसमें टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। आज बस एक मतलब ऐसा समझिए बेसिक था, ये इंट्रोडक्शन है वेक्टर का, ठीक है ना। इतने सारे टाइप्स के वेक्टर होते हैं, इसको पढ़ लीजिए, होप आपको समझ में आया हो। अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रुप में मेरे से सवाल करिए, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, थैंक यू।